वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेरा इयररिंग कलेक्शन। तो जो इंटरेस्टेड है इसे देखने में वो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसी को लग सकता है ये जो इयररिंग्स कलेक्शन है वो थोड़ा सा ज्यादा है या थोड़ा सा कम है, बट ये सफिशियंट है मेरे लिए, मुझे जितनी जरूरत है उतने के लिए। और मैं बहुत बड़ी इयररिंग लवर हूँ, बट स्टिल मेरे पास उतने ही इयररिंग्स मिलेंगे जितने की मुझे जरूरत होती है। मेरे लिए क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मैटर करती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास वही इयररिंग्स हो जिन्हें मैं पहन सकूँ बिना सोचे समझे, प्लस वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगे, अट्रैक्टिव लगे। तो इस कलेक्शन के मैं डेफिनेटली दो पार्ट शूट करने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं एक ही पार्ट में सब दिखा दूंगी तो आप बोर हो सकते हैं, प्लस वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके दो पार्ट लाने वाली हूँ। तो देखने के लिए मेरा इयररिंग कलेक्शन लेट्स कीप वॉचिंग। तो फर्स्ट बॉक्स जो है वो इस तरह से है, शुगर मिनीज का लिपस्टिक, एक टिन बॉक्स है। तो शुगर की अगर आप मिनीज खरीदते हैं तो उसका वो इस तरह का बॉक्स में जाता है जिसमें अपने इयररिंग्स स्टोर करती हूँ। तो बहुत अच्छी क्वालिटी का बॉक्स है एक्चुअली, आप अपनी ज्वेलरी को या किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड इसमें होते हैं मेरे हुप्स, यू नो लाइक, और कुछ इयररिंग्स होते हैं जो बाद में आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगी। तो इसमें मेरे हैं सारे हुप्स। तो रिसेंटली मैंने हुप्स का एक सेट परचेस किया था मैक्स से, जिसका प्राइस था 249 रुपीज़। इस टाइम पे हुप्स जो हैं, इवन लास्ट टू ईयर से हुप्स जो हैं बहुत ज़्यादा फैशन में हैं, ट्रेंड में हैं। तो इस तरह से तीन का सेट था, जिसमें फर्स्ट वन दिस सिल्वर, देन उससे बड़े थे ये ब्लैक मेटल में, एंड देन थर्ड वन इज दिस गोल्ड। तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइन अभी हैं एंड मुझे भी परचेस करना है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा पैटर्न में मिल रहे हैं, बट अभी मैंने परचेस नहीं करे हैं। मैं डेफिनेटली आगे उसको परचेस ज़रूर करूँगी। बट इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो अगर आप भी हुप्स चाहें तो मैक्स में ट्राई कर सकते हैं, और वहाँ पर वेराइटी भी अवेलेबल है। मैंने तीन का सेट परचेस किया था। नेक्स्ट हुप जो मैंने परचेस किए थे वो परचेस किए थे लोकल मार्केट से, और इनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है तो पहनने में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, बट इनका प्राइस था 30 रुपीज़, और अकॉर्डिंग टू द प्राइस ये उसी लायक है। नेक्स्ट जो है ये तो मुझे याद ही नहीं कि 10 साल 12 साल, क्योंकि एक टाइम पे इनका फैशन जो है वो 10-15 साल पहले आया था, तभी मैं छोटे छोटे से हुप्स परचेस किए थे। इनका शेप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा शेप्स में अवेलेबल है, एंड मैं डेफिनेटली उनको भी ट्राई करूँगी। तो ये छोटू से हुप है, एंड ये छोटू से हुप है, ये भी पता नहीं कितने साल पुराने हैं। तो कुछ इयररिंग्स जो हैं वो सालों साल पुराने हैं जो मुझे याद भी नहीं है। तो उस टाइम पे भी हुप्स चलते थे ना, तो ये मैंने छोटू से खरीदे थे। या जो इसी बॉक्स में रहते हैं वो हैं कुछ इस तरह से, जो मैं वेस्टर्न के साथ ही पहनती हूँ मोस्ट प्रॉब्ली, बट कुर्ती सब भी आप ट्राई कर सकते हैं। और ये है मेरे कलेक्शन के इयररिंग्स, मैं इयररिंग्स भी सेल करती हूँ, तो ये मेरे कलेक्शन के इयररिंग्स हैं। इनका प्राइस है जस्ट 100 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, और इनकी क्वालिटी सुपर डुपर ऑसम है, एंड कम से कम 2 से 3 साल इनकी जो पॉलिश है वो इधर से उधर हिलने नहीं वाली है। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस इट्स बेस्ट, और ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं और बहुत लाइट वेट है, तो वो बहुत हल्के फुल्के से इयररिंग्स आप कभी भी बिना सोचे समझे इनको पहन सकते हैं किसी भी आउटफिट के साथ। नेक्स्ट जो मैंने परचेस किए थे वो मैंने परचेस किया था बिग बाजार से। सो बिग बाजार में भी ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, थोड़ी सी महंगी मिलती है, बट इनका प्राइस 299 रुपीज़ था, ऑफर में कुछ मुझे मिला था 200 रुपीज़ शायद। ये कुछ इस तरह से हैं, अगेन आप इसे वेस्टर्न्स के साथ ही कुर्तीज़ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बट इनकी पॉलिश अब थोड़ी फेड होने लगी है, थोड़ी सेंसिटिव है एक्चुअली है। तो ये कुछ इस तरह से हैं, बट अच्छे लगते हैं, बहुत क्यूट है, अगेन लाइट वेट है, सोबर से इयररिंग्स हैं, आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ तो इसे डेफिनेटली टीम अप कर सकते हैं। नेक्स्ट अगेन ये छोटू मोटू सा बॉक्स, जिसमें है 6 कंपार्टमेंट्स आप देख सकते हैं, और इसमें मैं रखती हूँ अपनी झुमकीज। तो आप अपनी झुमकी जो है वो सेपरेटली किसी बॉक्स में रखेंगे, तो उससे क्या होगा जब भी आपको झुमकी पहनना होगा तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, एंड यू नो कि आपके एक ही बॉक्स में सारी झुमकीज़ है, तो आपको चॉइसेस भी जो है कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे पास ये भी है वो भी है, और टाइम निकल जाता है, उसके बाद याद आता है यार ये भी पहन सकते थे। तो अच्छा होगा कि आप अपनी ज्वेलरी जो है, अगर एक ही तरह की ज्वेलरी जो है वो एक ही कंटेनर में रखेंगे ना, तो आपको ढूंढने में भी आसानी होगी, प्लस टाइम पर आपको आपकी ज्वेलरी भी मिल जाएगी। तो इसमें तो कुछ एथनिक ज्वेलरी है जो आप अपनी साड़ीज़ लहंगेज के साथ ट्राई कर सकते हैं, या गाउन्स के साथ भी पहन सकते हैं। तो इस तरह की नॉर्मल ज्वेलरी जो मैंने मीशो से मंगाई थी, और इसका हॉल ऑलरेडी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, कुछ इस तरह से थी। बड़ी ज्वेलरी है, अगेन ज़्यादा वेट नहीं है इनका, बट बहुत सुंदर है, क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी मिली थी मीशो से ही मुझे, एंड सेकेंड अगेन मेरी मीशो से ही है, बट इनका पैटर्न और ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट जो है ये तो मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी, इनकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, बट ओके है। ये है छोटू मोटू से, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी में है, छोटू मोटू से है, तो साड़ीज पे, सिल्क साड़ीज पे बहुत सुंदर लगती है, जब आपको एथनिक गेटअप लेना होता है तो इस तरह की ज्वेलरी जो है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। सारी झुमकियों में सबसे फेवरेट है मेरी ये वाली झुमकी, जो मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी फॉर 150 रुपीज़। इनकी क्वालिटी भी
अभी तक, मतलब ये शायद मेरे पास है 4 साल हो चुके हैं, इनका भी कोई नग जो है इधर से उधर नहीं निकला है, प्लस इसका कलर फेड नहीं हुआ है। एंड इस तरह की ज्वेलरी के आप सिल्क साड़ी के साथ पहनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, नीचे पोलकी का काम हुआ है, तो इस सिल्क साड़ी साथ लहंगे के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एंड अच्छा है। मुझे मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैंने देखा है बहुत लोग जो है वो अपने इयररिंग्स जो हैं वो इस तरह से रखते हैं कि जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो मिलते ही नहीं है, कभी किसी का नग निकल जाता है तो वो टूट जाती है, बट ये ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट बॉक्स जो है वो कुछ इस तरह से फ्लैट बॉक्स है एंड हमारी शर्ट्स जब हम परचेस करते हैं तो उसमें इस तरह का फोम शीट आती है, वो मैंने यहाँ पर लगा के रखी हुई है। इससे क्या होता है आपके जो स्टड्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है इयररिंग्स स्टोर करने का। तो इस तरह से आपके इयररिंग्स आपको सामने दिखते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है। तो मैं अपने सारे स्टड्स क्या है इस तरह से लगा के रखती हूँ, और जो भी स्टड्स जो इस तरह से हैं जो मैं फिक्स नहीं कर सकती थी वो मैं इस तरह से यहीं पे रखे हुए हैं तो मुझे इजीली मिल जाते हैं। बाकी सारे स्टड्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नॉर्मल से स्टड्स हैं, नथिंग फैंसी। तो यहाँ पे मेरे आपके छोटू से स्टड्स, आई थिंक ये आपको विजिबल नहीं है बट ये जो छोटू से स्टड्स हैं एडी के, जो मैंने शादी के टाइम पे परचेस किए थे और स्टिल वैसे ही हैं, और मुझे इन्हें पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है डे टू डे लाइफ में, मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अगर आप फोम शीट पे अगर अपनी ज्वेलरी जो है इस तरह से लगाएंगे ना तो उनकी जो पॉलिश है वो भी कभी भी निकलेगी नहीं, क्योंकि फोम शीट जो है वो कॉटन का ही काम करती है। इयररिंग्स जितना संभाल के रखोगे उतना लंबा चलेंगे। ये यानी कि मैंने खरीदे थे बिग बाजार से, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत लाइट वेट है, प्लस आप इसे अपने वेस्टर्न और एथनिक दोनों आउटफिट्स पे ट्राई कर सकते हैं। इनका प्राइस अगेन 200 रुपीज़ था आई थिंक, बट बहुत सुंदर है और अभी तक इनकी क्वालिटी वैसी ही है। इनका एक भी जो नग है वो, एक भी जो डायमंड है वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। तो इस तरह से भी आप अपने स्टड्स जो हैं वो स्टोर करें, उससे क्या होगा आपके स्टड्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी और प्लस आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छा तरीका है स्टड्स को स्टोर करने का। नेक्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स, बाकी जो भी इयररिंग्स हैं वो मैं पार्ट टू में शो करूंगी। तो ये इसमें आपको दिख रहा होगा सारे के सारे ऑक्सीडाइज इयररिंग्स हैं मेरे, तो मुझे ऑक्सीडाइज इयररिंग्स भी बहुत इस टाइम पे तो फैशन में भी है, प्लस पहनना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो ये फर्स्ट इयररिंग्स हैं, मुझे ये गिफ्ट में मिले थे, मेरी सिस्टर ने मुझे दिए थे, शायद किसी इंस्टाग्राम स्टोर से मंगाए थे, और ये बेहद सुंदर है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरह के स्टड्स भी ऑक्सीडाइज अगर हैं तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं कुर्तीज पे, साड़ीज पे, हर तरह के आउटफिट पे एक्चुअली आप पहन सकते हो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और बहुत सुंदर इयररिंग्स हैं, आई जस्ट लव दिस इयररिंग्स। नेक्स्ट जो है वो हैं जो कि एक सेट के साथ के हैं, बट मैं इयररिंग्स और सेट अलग अलग करके रखती हूँ ताकि मुझे अगर इयररिंग्स ही पहनना हो तो मुझे ईजिली मिल जाए। बाकी आप देख सकते हैं अगर मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो है वो सेपरेट रखी है, बाकी ज्वेलरी सेपरेट रखी है, तो मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है। तो इस तरह से स्टोर करोगे तो बहुत इजीली आपकी जो ज्वेलरी है आपको मिल जाया करेगी। नेक्स्ट जो है वो है इस तरह के हूप्स जो कि मैंने मेले से परचेस किए थे, आई गेस भोपाल मेले से, 30 रुपीज़ के मल्टी कलर इयररिंग्स हैं, आप कुर्ती के साथ किसी भी कलर की कुर्ती के साथ पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, लाइट वेट होते हैं, डे टू डे लाइफ में भी इसको ईजिली कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर है। नेक्स्ट इयररिंग जो है वो है ये मैं गोवा से परचेज किया था फॉर 50 रुपीज़, और अगर आप इसे मीशो पे या अदर ऑनलाइन स्टोर पे ट्राई करोगे तो 100-150 रुपीज़, बट ये मैंने ऑफलाइन खरीदे थे 50 रुपीज़ के। आप इसे डे टू डे लाइफ में कुर्तीज़ के साथ, साड़ीज़ के साथ स्टाइल कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है, और बहुत लोगों के पास होगा भी, बहुत नॉर्मल पीस है पर बहुत सुंदर है, डिटेलिंग इसकी बहुत ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट पीस बहुत सुंदर सा है, ये भी बहुत सारे लोगों के पास होगा, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होता है, इसे मैंने खरीदा था मार्केट से फॉर 50 रुपीज़, और इसमें भी बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, ये भी बहुत सुंदर लगता है कुर्तीज़ के साथ, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। नेक्स्ट अगेन मुझे मिले थे गिफ्ट में जो कि मेरे फेवरेट है इस कलेक्शन के, अफगानी ज्वेलरी आई गेस, अफगानी इयररिंग्स, या इनका वेट थोड़ा सा ज़्यादा है बट इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वेट जो है वो मैटर ही नहीं करता है। कलर रेड एंड ग्रीन है, आपके हर आउटफिट पे चलेगा, कुर्ती इसके साथ तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इस तरह की ज्वेलरी आजकल बहुत ट्रेंड में है और इस तरह की आवाज़ भी आती है, इन्हें पहनो जब तो डेफिनेटली इनकी आवाज़ भी आती है, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है इस तरह के इयररिंग्स। नेक्स्ट इयररिंग्स जो मैंने खरीदे थे सिटी मार्केट से, जो भोपाली से, उनको पता होगा सिटी क्या है, और इसे मैंने खरीदा था 40 रुपीज़ के, बहुत सुंदर हूप्स है एक्चुअली, बट इस तरह से इसमें घुंघरू लगे हुए हैं, ये भी बहुत सुंदर लगते हैं अपनी कुर्तीज़ के साथ पहनने के लिए, और आप मार्केट जा रहे हैं या फिर आप कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं ना तो इस तरह के इयररिंग्स कैरी कर सकते हैं, इससे आपके कान भी दर्द नहीं होते हैं, प्लस बहुत फैशनेबल भी लगते हैं, और इस टाइम पर तो ये बहुत ज़्यादा इन है।
नेक्स्ट ईयरिंग एक टाइम पे इनका बहुत फैशन था, जब टिकटॉक था तब इनका फैशन बहुत ज़्यादा था। तो ये है ब्लैक कलर में और इसे मैंने खरीदा था न्यू मार्केट से फॉर 100 रुपीज़। बट ये थोड़े से हैवी है, आपके कान में हल्का फुल्का दर्द होगा इन्हें पहनने के बाद, बट ये भी बहुत अच्छे लगते हैं और हर तरह के आउटफिट के साथ ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट ईयरिंग अगेन मुझे गिफ्ट में बहुत ईयरिंग्स मिलते हैं क्योंकि मुझे ईयरिंग्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कुछ इस तरह से बहुत सिंपल से हैं, स्लीक से हैं और सुंदर लगते हैं इस तरह के ईयरिंग्स आप पहन तो। लाइट वेट है, अगेन इसे आप डे टू डे लाइफ में पहन सकते हैं, आपके कान बिल्कुल भी हर्ट नहीं होंगे। फॉक्सराइज ज्वेलरी बिल्कुल ट्रेंड में आई थी तब मैंने इसे परचेस, तब मुझे ये गिफ्ट में मिले थे एंड मैंने इसे कुर्ती के साथ बहुत बार पेयर किया है और ये बहुत सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट ईयरिंग जो है अगेन 100 रुपीज़ के मैंने परचेस किए थे न्यू मार्केट से। मैं इसे वेस्टर्न के साथ पहनती तो भी सुंदर रहते हैं, आप कुर्ती के साथ भी पहन सकते हैं और इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप जस्ट इसको डिटैच करके इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और झुमकी पहन सकते हैं, चाहे तो सिर्फ टॉप्स पहन सकते हैं, तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, बट लाइट वेट है, बट स्टिल जब आप इसे उतारते हो तो आपके कान में दर्द होता है, आई डोंट नो व्हाई। नेक्स्ट ईयरिंग्स जो हैं वो हैं, इसे मैंने खरीदा था सिटी से फॉर 150 रुपीज़, बट इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनके जो नग हैं वो निकलते रहते हैं, बार बार मैं चिपकाती रहती हूँ, निकलते रहते हैं, बट चांद वाली पैटर्न में है, सुंदर है। मैंने पैटर्न की वजह से ही परचेस किया था तो इस तरह से बहुत ज़्यादा सुंदर पैटर्न है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाकी ईयरिंग्स आपको मिलेंगे पार्ट टू में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप पार्ट टू भी जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को ताकि इस तरह की वीडियोस फ्यूचर में आपसे कभी भी मिस ना हो, एंड प्लस हिट दैट बेल बटन ताकि उसकी नोटिफिकेशन भी आपसे कभी मिस ना हो। अगर कलेक्शन पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ, स्पेशली ईयरिंग लवर्स के साथ, एंड पार्ट टू देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।